मुझे ये जान के बहुत हैरानी होती है कि ज्यादातर लोगों को ये पता है क्यों नहीं कि एक जिराफ कितना पावरफुल है। एनिमल किंगडम में जिराफ का नेक सबसे बड़ा होता है, उसका पैर भी बहुत लंबा होता है। तो क्या होता है कि ज्यादातर टाइम, मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, अगर कोई शेर भी आ जाए जिराफ को मारने, किसी बच्चे नहीं बल्कि एडल्ट जिराफ को मारने अगर कोई शेर आ जाए, तब शेर असल में खतरे में पड़ जाता है। और ये बहुत कम ही लोग को पता है, क्योंकि जिराफ को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लंबे लंबे लेग से हमेशा वो शेर को ऐसे ही डिफीट कर देता है। कोई भी एनिमल हो, जिराफ उसको डिफीट कर देता है। बट कुछ कुछ बहुत स्किल वाले जो लायंस होते हैं, वो क्या होते हैं कि झपट लेते हैं ऊपर से, बट ऐसा बहुत कम लायन कर पाते हैं इतनी ऊंचाई में झपटना। बट 90% केसेस में जंगल का राजा को भी जिराफ हरा देता है। ऐसे शेर को और भी बहुत कोई मार सकता है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो हिप्पोपोटामस होता है ना, हिप्पोपोटामस जो लोग बचपन में किताब में पढ़े थे, ये भी बहुत पावरफुल होता है। ये देखने में एक मोटकू टाइप का एक जानवर है, बट इसके पास पावर कम नहीं है। ये देखने में थोड़ा भोंदा टाइप का लगता है, बट ये भी लायन को डिफीट कर सकता है। और कुछ क्रोकोडाइल्स ऐसे हैं जो कि लायन को डिफीट कर सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।